हाय एवरीवन, माय नेम इज रवि। बाय डिग्री आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड अ टीचर बाय चॉइस। फ्रॉम द लास्ट 6 to 7 इयर्स आई हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट ऑफ गढ़वा इन माय ओन इंस्टीट्यूट नेम्ड एज एन इंजीनियर्स एकेडमी। तो देर इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ माइन गढ़वा में है, एन इंजीनियर्स एकेडमी के नाम से है। देर आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 6 to 7 इयर्स। 6-7 सालों से मैं गढ़वा में पढ़ा रहा हूँ एन इंजीनियर्स एकेडमी इंस्टीट्यूट में। एंड वी हैव बीन फॉर्चुनेट दैट इन दिस स्पैन ऑफ टाइम वी हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इन 6-7 सालों में हम गढ़वा डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करने में कैपेबल हुए हैं। नॉट ओनली द बेस्ट रिजल्ट ऑफ गढ़वा बट बेस्ट रिजल्ट ऑफ स्टेट, बेस्ट रिजल्ट ऑफ झारखंड। इफ यू आर कनेक्टेड विथ अस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम यू वुड बी नोइंग कि हमने झारखंड में 3-3 बार आकांक्षा 40 एग्जामिनेशन में टॉपर्स दिए, स्टेट टॉपर्स। इसके अलावा मल्टीपल सिलेक्शन इन एयरफोर्स, मेनी सिलेक्शंस इन पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, इवन लास्ट ईयर मेनी स्टूडेंट गॉट सेलेक्टेड इन पॉलिटेक्निक। If you are our student and studying in any government polytechnic college watching this video, please do comment such so that you know many of the subscriber, many of our student who are in online mode may know that this is the reality. And yes, believe me, this is the reality. Many of the student of ours have been in government polytechnic college. Along with that, हम कई बार डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी दिए हैं। एंड इन द लास्ट ईयर फोर स्टूडेंट ऑफ आवर्स वेयर इन द लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स, फर्स्ट से लेके फर्स्ट रैंक, फोर्थ रैंक, थर्ड एंड एट रैंक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट ओनली। तो ये सब जो था ये तो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का बात है। एंड वी फील फॉर्चुनेट फॉर दिस। हम ये बताना नहीं चाहते, आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो कि द कंटेंट दैट वी आर प्रोवाइडिंग इज अप टू द मार्क एंड दैट्स वाई द रिजल्ट इज हैपनिंग, द रिजल्ट इज बींग प्रोड्यूस फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। टू ऑल दोज हु हैज बीन वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब चैनल, दिस यूट्यूब चैनल BSL Academy, लेट मी टेल यू दैट वी आर एक्टिव ऑन दिस यूट्यूब चैनल सिंस लास्ट 2 to 3 ईयर्स यू कैन से। लेकिन हम उतना एक्टिव नहीं हो पाए हैं, प्रॉपर एक्टिव नहीं हो पाए थे। बट उतना एक्टिव नहीं होने के बावजूद भी अगर आप पुराने वीडियोस पर जा कर के देखेंगे तो आपके सीनियर्स का इतना भर भर के प्यार मिला है कि हम उसके लिए प्रिविलेज्ड फील करते हैं। आपके सीनियर्स को बहुत सारा हेल्प मिला इस चैनल से एंड हम ये हेल्प कर पाए उसके लिए भी हम प्रिविलेज फील करते हैं। स्टूडेंट ने इतना सारा प्यार दिया, वी आर थैंकफुल टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु हैज बीन आवर पार्ट इधर इन ऑनलाइन और इन ऑफलाइन। अब 2025 की बारी है, 2024 एंड 25 के बैच की बारी है। जो स्टूडेंट 25 में क्लास 12th का एग्ज़ाम लिख रहे होंगे, they would have started their institute, they would have started their syllabus, and I feel कि maximum institute में student ने chapter 1 कर लिया होगा, electric charge and field if I talk about physics कर लिया होगा। सारे subject का first chapter हो गया होगा। तो my plan is something for class 12th student who will be writing their board examination in 2025. ये प्लान हम एग्जीक्यूट तब करेंगे जब आपके साइड से भी सपोर्ट मिलेगा। दिस हैज़ टू बी टू वेज, वन वे नहीं होना चाहिए दैट आई एम वॉकिंग एंड यू पीपल आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो आपको भी करना होगा, यू विल हैव टू रेसिप्रोकेट। हम आपके लिए बहुत सारा चीज़ बता रहे हैं, करेंगे जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अपन क्या क्या प्लान करें हैं दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग यू।
बदले में आपको बस हमारा हौसला बनाए रखना है. एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू लाइक एंड थ्रू योर प्रीसियस कॉमेंट यू शुड ट्राई टू यू नो सेंड द मैसेज दैट यू आर फीलिंग टू अस. जो चीज़ आप फील करते हो दैट यू हैव टू शो थ्रू योर कॉमेंट सो दैट वी कैन फील कि भाई हम लोग जो कर रहे हैं क्या आपके लिए सही में एडवांटेजियस हो रहा है. तो आपको कमेंट करते रहना एंड दिस इज योर प्लेटफॉर्म यू हैव टू शेयर इट विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट कि आवर फैमिली गेट्स लार्जर एंड वी आर केपेबल टू रीच मासेस. हम ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकें. सो व्हाट वी हैव प्लान्ड फॉर दिस ईयर अभी के लिए मैं बता रहा हूँ. अगर आप कहेंगे और भी कुछ करने के लिए तो वी आर रेडी फॉर दैट. बट वी हैव डिसाइडेड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग वी विल बी कवरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट. इन फिजिक्स सब्जेक्ट अभी आप चैनल पर जाकर के देखेंगे तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है. इस प्लेलिस्ट में पहला प्लेलिस्ट आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड दिख रहा होगा. इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वीडियो विल बी ऑन All the probable objective questions that may be asked in your JAC examination. And believe me, इससे बाहर नहीं जाता है usually. Second में हम लोग बात करेंगे सारे subjective question के को लेकर के derivation जितने भी आते हैं उन सारे derivation का एक video रहेगा, dedicated video. Third में बात करेंगे numerical जो questions आए हुए हैं उन सभी question के बारे में बात करेंगे. फोर्थ नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पहले वाले में प्रोबेबल बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा. अभी जो मैं बता रहा हूँ उसमें प्रीवियसली आस्क्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड एक वीडियो हो रहा होगा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, एक वीडियो हो रहा होगा जो न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं उसके बारे में. तो फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर वी हैव डिसाइडेड दैट विल बी मेकिंग 6 वीडियोज ऑन ईच एंड एवरी चैप्टर. और कोई स्टूडेंट अगर ये 6 वीडियो को कर ले तो उसको बाकी किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. एंड इस बात को आप ना टेस्ट करते रहिएगा. टेस्ट कैसे कीजिएगा, तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज वीडियोस एंड फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं. कुछ भी बचेगा ही नहीं तो क्वेश्चन आएगा कहाँ से. तो हमने पहले से भी स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प किया है. एंड ये बात आप पहले वाले वीडियोस में जाकर के कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं. योर सीनियर्स विल बी टेलिंग यू कि अप टू व्हाट एक्सटेंट वी हैव बीन बेनिफिशियल टू देम, आवर कंटेंट हैज़ बीन बेनिफिशियल टू देम. तो दिस इज़ द थिंग दैट वी हैव डिसाइडेड. तो आई टीच हियर मैथ्स एंड फिजिक्स. तो फिजिक्स में तो मैं ये कर रहा हूँ, मैथ्स के बारे में भी अपन प्लान करेंगे. बट द थिंग इज कि क्या आप इस चीज़ को जेन्युइनली चाहते हैं. आई नीड एटलीस्ट 20 कॉमेंट्स ऑन दिस वीडियो. अगर आप ये जेन्युइनली चाहते हैं, आप कैसा फील करते हैं इस इनिशिएटिव को लेकर के, अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो भी कॉमेंट कर सकते हैं. आप हमें बताइए कि क्या आपको एडवांटेज मिला है इस चैनल से. अगर आप अभी करेंट बैच में हैं तो आप हमें बताइए कि क्या आप इस चीज़ को चाहते हैं. और एनी सजेशंस विल बी वेलकम्ड. आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे. अगर एटलीस्ट 20 कॉमेंट्स आता है कल से ही हम लोग इसका इस पर बेस्ड वीडियो करना स्टार्ट कर देंगे. कल मैं इस पर वीडियो अपलोड कर दूंगा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में. तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास 12th जर्नी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीसियस टाइम. थैंक्स अ लॉट.